सन 1908 की बात है, दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। एक शाम मैं अपने साथियों के साथ बेर तोड़कर खा रहा था, तभी गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ा। मैं मन ही मन डर रहा था कि बड़े भाई आज पिटाई करेंगे, पर वहां पहुंचा तो पता चला भाई साहब पत्र लिख रहे हैं और मुझे पत्र देते हुए कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में शाम से पहले डाल आओ। मैं अपने छोटे भाई को साथ लेकर अपने डंडे के साथ घर से निकल पड़ा। मेरे कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए चिट्ठियां मैंने टोपी में रख ली। हम बहुत जल्दी गांव से 4 फरलांग दूर एक कुएं के पास जा पहुंचे। उस कुएं में एक काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। मैं और मेरे सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते और सांप की फुफकारने की आवाज सुनते। आज भी मैंने ऐसा करने की सोची और एक ढेला उठाकर उछलते हुए एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंका। लेकिन यह क्या, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां गोल गोल घूमकर कुएं में जा गिरी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरे प्राण ही निकल गए हो। मैं और मेरा छोटा भाई कुएं के पाट पर बैठकर कुछ देर तक दहाड़े मार मार कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद हमने फैसला किया कि मैं अंदर जाकर चिट्ठियां निकाल लाऊंगा। फिर हम दोनों ने अपनी धोतियां उतारी और उन्हें गांठ बांधकर एक बड़ी रस्सी तैयार की। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर उसे कुएं में गिरा दिया और दूसरी छोर को एक लकड़ी से बांधकर मैंने छोटे भाई के हाथ में दे दिया। मैं धीरे धीरे कुएं में नीचे उतरने लगा। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। मेरी आंखें सांप के फन पर टिकी हुई थी। कुआं बहुत संकरा था, इसलिए वहां डंडा चलाने का स्थान न था। मुझे लगा मेरी योजना अब असफल हो गई है। मैंने देखा दो चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी और एक चिट्ठी मेरे नीचे गिरी हुई थी। क्योंकि अभी तक सांप ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए मैंने भी डंडे से सांप के फन को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया। मैंने जैसे ही सांप के दाई ओर पड़ी हुई चिट्ठी की तरफ अपने डंडे को आगे बढ़ाया, सांप ने फुफकारते हुए उस डंडे पर अपना पूरा जहर छोड़ दिया और डर के मारे मेरे हाथ से वह डंडा वहीं छूट गया और सांप ने ताबड़तोड़ डंडे पर 3 प्रहार कर दिए। सांप के इस फुफकार को मेरे छोटे भाई ने सुना जो कुएं के ऊपर खड़ा था, और उसने समझा कि मेरा काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। दोबारा फिर उसी लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम और आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, यह कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहला होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। लिफाफे को धोती के छोर पर बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उस पर धरना देकर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर मैंने उसके दाई ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से बाई ओर से
डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब मुझे डंडा तो मिल गया था, अब बारी आई कुएं के ऊपर चढ़ने की। लेकिन यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। और ऊपर चढ़कर मैं बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। एक लड़का जो किशनपुर का था, उसने यह सब देख लिया था। मैंने उससे बताया कि यह सारी घटना हमारे घर में ना बताएं। सन 1915 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात मैंने यह कहानी अपने माँ को सुनाई और सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने में छिपा लेती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियोस सबसे पहले।